दीपक वोरा जी, मौसम तो बदल रहा है इस्लामाबाद का, अब ब्लू आइड बॉय इमरान खान बाजवा साहब के रहे, अब बाजवा साहब अगर ये कहें कि वो सम्मान के साथ इस्तीफा देते हैं तो इसे हम क्या समझें? आज पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल टर्मोइल है तो उसके पीछे कारण आपको क्या समझ में आते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक प्रिविलेज है आपके प्रोग्राम में शामिल होने का, आपसे सीखने का और बाकी जो विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, बड़े ध्यान से मैंने इनकी बात आप बात कर रहे हैं दीपक जी, अब आपका अनुभव इतना है कि हम सभी आपसे सीखते हैं, बोले अपनी बात। आपका बड़ापन है ये, मैं न्यूयॉर्क में हूँ और यहाँ पर इस समय 7:45 है सुबह के और 0 से 2 डिग्री तापमान कम है, क्षमा कीजिएगा मैंने ये भारी वुलन कपड़े पहन रखे। मैंने बड़े ध्यान से सुना ये लोग क्या कह रहे थे। मैम अगर आप 2 मिनट दें तो, पहली शताब्दी के एक रोमन राइटर थे प्लिनी द एल्डर, तो उन्होंने ये कहा था, सेम्पर अलिक्विड नोवी अफ्रीका मैटर, अफ्रीका से हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है। वो शायद पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते, वहां से नया कुछ नहीं आता, वही चीज हम सुनते जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अजी मौसम बड़ा अच्छा, हाँ जी कश्मीर, अजी चले भोजन करते हैं, हाँ जी कश्मीर, अजी देखिए यहाँ पे यूक्रेन में क्या हो रहा है, हाँ जी कश्मीर। आई से गेट रिड ऑफ दिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब आपका सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब जो क्रिकेट खेलते थे वो अपनी नौकरी खोने वाले हैं? स्कूल में मैम एक लिमरिक, आप लोग का मुझे हिंदी का शब्द नहीं मालूम है, मजाकिया कविता हम सीखते थे, देयर वाज अ लेडी फ्रॉम नाइगर हु वेंट फॉर अ राइड ऑन अ टाइगर, दे रिटर्न फ्रॉम द राइड विद द लेडी इनसाइड एंड अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ द टाइगर। न्याजी साहब इस समय 2 शेरों पर एक साथ चल रहे हैं, खड़े होकर उनका उनकी उनके राइड कर रहे हैं, एक है उनकी फौज और दूसरा जैसे आपने बताया कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट ऑपोजिशन है उनकी, उनको क्या चाहते हैं कि आप लोग की वो कैसे याद रखे जाएं? डेविड जिन्होंने गुलायत को हराया था, जो पाकिस्तानी मिलिट्री है गुलायत, या फिर नीरो जो बांसुरी बजा रहे थे या म्यूजिक बजा रहे थे जब उनका देश जल रहा था? मैम उनको हटाया जा रहा है कश्मीर करके नहीं। सर प्लीज, मेरे पाकिस्तानी मित्र जो हैं, हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, कश्मीर के कारण वो नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि डेट बढ़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि मिस गवर्नेंस बढ़ रहा है। क्या कहा था जब वो सत्ता में आए थे कि मैं पाकिस्तान को अमरीका का नौकर नहीं होने दूंगा, मैं गरीबी से लड़ूंगा, मैं महंगाई से लड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा। अमेरिका का नौकर तो नहीं है क्योंकि अमेरिका ने आपको बाहर निकाल दिया है, लेकिन जो गुर्बत है, गरीबी है, जो भ्रष्टाचार है और जो बढ़ती कीमतें हैं, उनको आप नहीं कुछ कर पाए। इसीलिए सर लोग कहते हैं, मेरे पाकिस्तानी मित्र बहुत हैं यहाँ पर जहां पे मैं हूँ, सुबह हम बातचीत करते हैं, घूमते रहते हैं, अभी कुछ देर पहले वॉक करके आए, वो सब कहते हैं ही डिलीवर्ड नथिंग एक्सेप्ट कि अमेरिका ने उसको निकाल दिया, इसीलिए वहां के लोग उसे निकाल रहे हैं। सर प्लीज प्लीज गेट ओवर योर ऑब्सेशन विद कश्मीर। मैं इस पर जनरल मेस्टन की राय लेना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा रिएक्शन हामिद जी, फिर मुझे दो और मेहमानों के पास जाना है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, कश्मीर इज नॉट ऑब्सेशन, कश्मीर इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इट विल बिकम पाकिस्तान। की बात मैं पाकिस्तानी मेहमानों को नहीं समझाना चाहती, मैंने माना कि आप पाकिस्तान जो है इतिहास बदलना चाहता है, लेकिन आप ये लिखवा कर रख लें आज हमारे शो मुकाबला में, आप ये लिख कर रख लें आज की तारीख, लिख कर रख लें, कश्मीर तो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, बहुत जल्द पाकिस्तान ऑक्यूपाई, कश्मीर भी अगर भारत के पास आ जाए तो उसमें भी कोई आप संदेह मत रखिएगा। मेरा जनरल मेस्टन साहब ने देखिए, मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, मेरे दो और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आपके मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी भावनाएं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कश्मीर हमारा, ये भावना नहीं है, ये सच है। चले चले वक्त बताएगा। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये कि इमरान खान वाकई पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, महंगाई वाकई मसला बनी, लेकिन मोदी सरकार के लिए भी महंगाई मसला बनी, यूरोप के लिए भी बनी, अमेरिका में 40 साल का महंगाई का प्राइस। चलिए आज हम मोदी जी के ऊपर डिस्कशन के लिए नहीं बैठे, लेकिन इतना जरूर है, देखिए मैं एक छोटा सा इसमें मैं एक राय रखना चाहती हूँ, मुझे अपने दोनों मेहमानों के पास जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई एक बड़ी समस्या है और महंगाई वो भारत में भी है,
इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज भारत की विदेश नीति हो, उसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, उसका साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, इसके तारीफों के कसीदे पूरी दुनिया पढ़ती है, ये इसमें भी कोई दो राय मत रखिएगा। जनरल मेस्टन, बहुत छोटा सा सवाल है जनरल मेस्टन मेरा, कि क्या ये जो कश्मीर का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये इस ऑब्सेशन के आगे पाकिस्तान की अपनी महंगाई, वहां के गुर्बत, वहां की गिरती हुई इकोनॉमी, वहां की कंफ्यूज्ड विदेश नीति, कश्मीर के आगे आगे कोई चर्चा हो ही नहीं पाती है? कश्मीर से ही इतने ज्यादा घिरे रहते हैं वहां के जितने भी हुक्मरान रहे। मीनाक्षी, मेरे को आप सिर्फ दो मिनट दिएगा, मैं दोनों पाकिस्तानी गेस्ट को क्लेरिफाई कर देता हूं कुछ चीजें। कश्मीर बार बार उठाते हैं। पहली बात, जो एम्बेसडर ने बोला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कोई शक ही नहीं है। अब चलते हैं बैकग्राउंड में। पहली बात, कश्मीर में आपको पता है कि हमारा टेरिटरी है, हमारा इलाका है, हमारा स्टेट है। आपने वहां पर रेडर्स लेके आए, कौन लेके आए रेडर्स? पाकिस्तान। दूसरा, जब आपने आपका देश हमारे देश से कार्व आउट किया, आपके तीनों सेना के अध्यक्ष, आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, वो थे अंग्रेज, आपकी कोई सेना का कुछ नहीं था। दूसरा, जो स्कार्डू और गिलगिट है, जिसको वो हमारी टेरिटरी थी, फिर उसको आपने वहां पर रिबेलियन करवाया दो अंग्रेज ऑफिसर्स द्वारा। ये तो है भी, मैं कश्मीर का बता रहा हूं, ये बैकग्राउंड है। और आपकी जो गवर्नेंस थे, आपके सारे स्टेट्स, सिर्फ सिंध को छोड़ के आपके सारे गवर्नर्स वहां पर अंग्रेज थे। सिंध में आपके पास अंग्रेज गवर्नर इसलिए नहीं था क्योंकि आपका वो जो सिंध का हाउस था, वो आपके गवर्नर जनरल, आपके कादी आजम जिसको आप बोलते हैं, जिन्हा को वो उसको आपने देना पड़ा। एक मिनट आप सुनिए, मैं आपको बैकग्राउंड आपकी हिस्टोरिकल बोल रहा हूं। अब बात करते हैं कि आप कश्मीर, मैं आपको सवाल करता हूं, कश्मीर आपने डाइग्रेशन और डाइवर्जरी टैक्टिक्स की है, कैसे? मसला है खैबर पख्तूनवा का, जहां पर जब आजादी से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन हुए थे, वहां पर खुदाई खिदमतकार ने हमेशा इलेक्शन जीते थे, मुस्लिम लीग ने कभी इलेक्शन नहीं जीते थे, वो आपको पता है। खुदाई खिदमतकार जो कि पश्तून हैं, उनको आपने तब बोला था, पूरे पाकिस्तान ने बोला था, ये काफिर है, ये आपकी ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, उनको आपने काफिर बोला था, जबकि वो भी मुसलमान थे। और खैबर पख्तूनवा आपकी टेरिटरी कभी नहीं रहा है, क्योंकि वो है टेरिटरी किसकी? अफगानिस्तान की। दूसरा, बलूचिस्तान भी अफगान की टेरिटरी है। और जब मैं आपको बता देता हूं, ये अंग्रेजों ने 1893 में जब ये एनेक्स किया था उस समय ब्रिटिश इंडिया में, ये टेरिटरी इसलिए की थी क्योंकि उसको बफर बनाना चाह रहे थे बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया, और इसीलिए उन्होंने इसको जनरल मेस्टन। देखिए, आप तमाम इतिहास के पॉइंट्स जो है गिना देंगे, लेकिन हामिद साहब इनकार ही करते रहेंगे, मुझे पक्का यकीन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।